السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear friends, today we are going to start our second class of Book 5 of Oxford Progressive English, written by Chris Jacques. And this is your teacher, Muhammad Asif Musa Mansour. My dear students, in the previous class, we talked about listening and reading of the words in Oxford Progressive English Book 5. And right now we are starting lesson number 3 of unit number 1, that is for expeditions. And lesson number 3 has 2 expeditions which will be discussed in this chapter. But before starting this chapter, we must go through the difficult words and their meanings so that when we start our reading session, so it may be easier for the students to understand the word. The first difficult word which is present over here, that is set off. Meaning of this word is begin a journey. Set off means safar ka aagaaz karna. Going to the second one, that is expedition. Expedition is a word which is also present in your reading section. And the meaning of the word expedition is a journey taken by a group of people with particular purpose, especially that of exploration, research, or war. एक ऐसा सफर जो बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं किसी खास मकसद के तहत, और वो मकसद जो होता है नई जगह को आबाद करना, नई जगह तो तलाश करना या कोई रिसर्च का काम करना या फिर कोई लड़ाई वगैरह. गोइंग टू द नेक्स्ट, वी हैव द वर्ड सैटेलाइट. सैटेलाइट इज अ वर्ड विच रेफर्स टू अ मशीन दैट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड मूव्स अराउंड द अर्थ और एन अदर बॉडी इन स्पेस. कह रहे हैं कि सैटेलाइट एक ऐसी मशीन है जो खला में भेजी जाती है, और खला के अंदर भेजने के बाद क्या होती है, वो घूमती रहती है ज़मीन के गिर्द या फिर किसी और बॉडी के गिर्द. दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट. ओके, गोइंग टू द फोर्थ, स्लेज. स्लेज मैंने आपको बताया था कि आईसी जो सरफेस होती है, जो बर्फ वाली सरफेस होती है, उस सरफेस के अंदर इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है वो मूव करने के लिए काम आती है. द नेक्स्ट वर्ड इज बम्पी. बम्पी का मतलब ये होता है कि अनइवन सरफेस, यानी आड़ी टेढ़ी सरफेस, ऊपर नीचे जिसके जो है ना पैचेज हो. और ये जो है ना, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ भी है कि सरफेस जो अनइवन है विद मैनी पैचेस रेज्ड अबव द रेस्ट, और उस पर जो है ना ठिगड़े बने हुए हैं, यानी कुछ ऊपर है फिर सीधा फिर ठिगड़े फिर ठिगड़े, इस तरह के सरफेसेस को बम्पी सरफेस कहा जाता है. And when we go to the next, explorer. Explorer is a person who explores new or unfamiliar area. Explorer जो है एक ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जो नई नई जगह को तलाश करता है, explore करता है, बताता है, या कोई unknown या unfamiliar जगह है कि जो बहुत अच्छी है लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो उसके बारे में भी ये explore करता है. ठीक है, going to the next one, frostbite. Frostbite matlab frost word is talking about the limit of the coldness. Okay, frostbite, it talks about an injury, and that injury is caused by freezing of skin एंड अंडरलाइंग टिश्यूज. इतनी सर्दी हो जाती है, मिसाल के तौर पे आप नंगे पाँव जो है बर्फ में चल रहे हैं, एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट कि आपके स्किन फ्रीजिंग पॉइंट पे जा रही होगी और टिश्यूज वगैरह जो स्किन के हैं वो भी फ्रीजिंग मोड के ऊपर जा रहे होंगे. दैट इज फ्रोस्ट बाइट. फर्स्ट योर स्किन बिकम्स वेरी कोल्ड. पहले तो वो ठंडक आपके फील होगी, जैसे हम ठंडे एरियाज में जाते हैं ना, हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है. एंड रेड, उसके बाद लाल होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन नंब, और फिर वो सुन होना शुरू हो जाएंगे. आपको पता है सर्दियों में हाथ
जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, हार्ड एंड पेल, और फिर जो है ना पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे और सख्त होना शुरू हो जाएंगे. तो फ्रोस्ट बाइट इज मोस्ट कॉमन ऑन द फिंगर्स, आपकी उंगलियों के अंदर, टोस, अंगूठे, नोज, नाक जो है वो लाल हो जाती है ठंडक से, बिल्कुल गायब हो जाती है ऐसा लगता है, ईयर्स ठंडक के अंदर, कान भी हमारे सुन हो जाते हैं, चिक्स, गाल या चिन, ठीक है थोड़ी, ये सब कुछ जो है वो बहुत सर्दी होने की वजह से क्या होता है, आपकी स्किन ठंडी होती है, फिर रेड रेड होना शुरू हो जाती है, फिर नंब होना शुरू, नंब मतलब सुन होना शुरू हो जाती है, फिर सख्त होना शुरू हो जाती है और येलो होना शुरू हो जाती है. दैट इज कॉल्ड फ्रोस्ट बाइट. सो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द हार्ड वर्ड्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ reading. And it goes like this, that not all children say to their mothers, हर तरह के बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे या ना सारे बच्चे जो है ना अपनी वालदा को ये नहीं कहते, what for us from the North Pole mom, आप जब North Pole पे जाइए ना तो वहाँ से हमें फ़ोन कीजिएगा मम्मी, but and Daniel's three children say that to her just before she set off on her new expedition. Lekin and Daniel karke ek ladki hai, khatoon ne uske teenon bachon ne apni ammi se kya kaha ki ammi aap jab wahan par pahunche to aap hame phone kijiyega. Okay, 3 months later in June 2002, she phoned her family on a satellite phone to say, I'm here at the North Pole. Wait, beta. So, not all the children say to their mother, phone us from the North Pole, mom. This is a sentence that normally the children, they do not ask to their parents. Especially to the mother, कि अम्मी अम्मी जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो हमें फोन कीजिएगा. This sentence is not spoken by the children at all. But and Daniel's three children said this to her mother before she set off on her expedition. लेकिन एक खातून जिनका नाम यहाँ पर बता रहे हैं कि एंड डैनियल है, उनके बच्चों ने, तीन बच्चे हैं, उनके बच्चों ने कहा कि अम्मी आप जो है जब नॉर्थ पोल पे जाएं तो हमें कॉल कीजिएगा. और जब वो अपने सफ़र के लिए आगाज़ कर रही थी तो उस वक्त उनके बच्चों ने ये उनसे कहा. 3 months later, in June 2002, she phoned her family on a satellite phone to say, I'm here at the North Pole. I am here at the North Pole. 3 महीनों के बाद, जून के महीना, सन 2002, उस खातून के जिसका नाम एन डैनियल है बेटा, उस खातून ने सैटेलाइट फोन को इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली को फोन किया. और जैसा कि उनके बच्चों ने कहा था कि अम्मी अम्मी आप जब नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएं तो आप हमें फोन कीजिएगा. एंड शी फोन्ड हर थ्री चिल्ड्रन एंड सेड, व्हाट डिड शी सेड, दैट आई एम हियर एट द नॉर्थ पोल, मैं यहाँ नॉर्थ पोल पे मौजूद हूँ. फॉर एन एंड हर को ट्रेवलर कैरोलाइन हैमिल्टन, इट वॉज अ डबल सक्सेस. कह रहे हैं कि उनकी साथ जो है उनका एक को ट्रेवलर यानी उनके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम कैरोलाइन हैमिल्टन था, इन दोनों के लिए ये तो बहुत बड़ी डबल सक्सेस थी, बड़ी कामयाबी थी, डबल कामयाबी थी. देवर द फर्स्ट ऑल वुमेन टीम टू वॉक टू द नॉर्थ पोल. पहले नंबर पे क्या कि ये दो खातूनें, खवातीन जो है, ये पहली खवातीन थी लड़कियों में कि जो नॉर्थ पोल की तरफ जिन्होंने कदम बढ़ाया था. दे हैड ऑलरेडी वॉक्ड टू द साउथ पोल, क्योंकि वो पहले भी जो है ना साउथ पोल की तरफ जा चुकी थी, यानी पहले वो साउथ पोल की तरफ जा चुकी थी और अब नॉर्थ पोल की तरफ भी जो है सबसे पहले खवातीन में से ये दो खातून, खवातीन सॉरी, हो गई.
नॉर्थ पोल एक्सपीडिशन वॉज डिफिकल्ट, नॉर्थ पोल की तरफ जो है ना ये उनका मार्च, उनका जो सफर, उनका जो नई चीजों को जानने का सीन था वो थोड़ा सा बहुत थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब हार्ड था. इट वॉज हार्ड टू पुल देयर हैवी स्लेजेस, मुश्किल था कि जो अपने साथ स्लेजेस लेके गए थे, स्लेजेस की तस्वीर मैंने बताई है जो बर्फ के अंदर चलती है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उनको कि वो उसे घसीटे अपने साथ. The ice was not flat but bumpy. जो वहां पर आइस मौजूद थी रोड्स के ऊपर, वो जो रास्ते हैं उसके ऊपर जो है ना वो खुद ऊपर नीचे थी, थोड़ी आइस थी फिर सीधा रास्ता था फिर थोड़ी आइस थी, यानी वो समझें कि जिस तरह हम कच्चे रोड की तरफ चलते हैं ना, पत्थर आ जाता है फिर कुछ हो जाए फिर कुछ होता है, सो बम्पी रास्ता था उनका. Like a sheet on your bed after a sleepless night, said one explorer. कह रहे कि एक थकावट वाली रात को गुजरने के बाद, okay. एक explorer कुछ कहता है, क्या कहता है? It was very cold, -50°C. बहुत ज्यादा जो है ना सर्दी मौजूद थी, टेम्परेचर जो है -50°C था. इट वॉज सो कोल्ड दैट द थर्ड वुमेन पॉम हैड अ फ्रॉस्ट बाइट ऑन हर टोस. इतनी ठंडक थी कि उनके साथ तीसरी एक लड़की थी, तीसरी खातून थी कि जिनका नाम पॉम था, उनको फ्रॉस्ट बाइट हो गया उनके अंगूठों में. फ्रॉस्ट बाइट मैंने अभी बताया था बीमारी है जिसके अंदर पहले ठंडक लगती है, फिर जो है रेड हो जाता है, फिर जो अंगूठे जो है वो सुन हो जाते हैं, फिर बिल्कुल सख्त हो जाते हैं और येलो हो जाते हैं. दे फोन द रिसर्च स्टेशन फॉर हेल्प. प्लीज कुड यू सेंड अ प्लेन फॉर पॉम, दे आस्क्ड. शी कांट वॉक एनी मोर और शी कांट वॉक एनी फर्दर. उन्होंने फोन किया रिसर्च स्टेशन के अंदर कि भाई हमारी आप मदद कीजिए, प्लीज आप जो है किसी प्लेन को भेजिए क्योंकि पॉम यहाँ पर फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो गई है. उन्होंने कहा कि वो मजीद नहीं चल सकती, जहां तक चलना था जहां तक उनकी हिम्मत थी वहां तक वो आगे बढ़ी है, मजीद आगे नहीं बढ़ सकती. बट एन एंड कैरोलाइन वॉक्ड ऑन. अब ये जो बाकी की दो लड़कियां हैं, दो खवातीन हैं, वो जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि वो चलती रही. आफ्टर अ वॉक ऑफ 82 days अक्रॉस 1200 kilometers, 82 दिन तक जो है ना वो चलती रही और 1200 किलोमीटर का फासला जब उन्होंने पूरा तय किया, they reached their base in Canada again and rang home. फिर वापस आ गई कनाडा के अंदर जहां से अपने सफर का स्टार्ट किया था, वहां पर पहुंच गई और अपने घर पे उन्होंने दोबारा से कॉल की. सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ आवर चैप्टर टू एक्सपीडिशन. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव गॉट अनदर एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन नंबर 2. And that will be discussed, inshallah, in our next class. But in this first expedition, in which one mom and Daniel, second was Pom, and third was Caroline Hamilton. There were 3 women. They started their journey to the North Pole, but one of them, she got a frostbite and went back to home. The other, they had completed this journey and the luckiest 2 people rang home after their journey. I hope that you people have understood this. Jazakumullahu khair. Inshallah we would be understanding the second part of this chapter, part of this lesson in our next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi